वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह पार्ट टू है जो आपके लिए विशेष है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ट्रिकी तरीके से हल करके बताएंगे जो सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है दोस्तों, 4:13 समानुपात 64 ? तो अज्ञात संख्या ज्ञात करो। इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको उस राशि को x मानना होता है जो राशि यहाँ पे अननोन है। ये समानुपात 64 अनुपात x। दोस्तों यहाँ पर जो अनुपात है, अनुपातिक मान को हम बट्टे वाली संख्या के रूप में निरूपित करते हैं, और ये समानुपात है और समानुपात को हम बराबर के रूप में निरूपित करते हैं। तो इसको इस टाइप से लिखा जाएगा, 4/13 बराबर 64/x। इसका हमको ये तिर्यक गुणा करना होगा। तिर्यक गुणा इस तरीके से होगा, ये हमको x की वैल्यू निकालना है, तो x का इस तरफ में गुणा हो जाएगा, x बराबर 64 × 13/4। 4 का भाग दे देंगे 64 में, भाग दीजिए, 4 × 1 = 4 / 2, 4 × 6 = 24, 16 आ गया। 16 × 13 करेंगे तो देख लेते हैं, 63 × 8 हासिल का 7, 13 × 13 = 7 = 20। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात करो। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए जैसा प्रश्न में दिया है हमको वैसा ही करते चलना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो दिया है वही नोट करते हैं। ए का मतलब गुणा 30%, परसेंट का बटे में 100 आ जाएगा, बराबर बी का 0.25 जैसा कि वैसा लिख दीजिए, बराबर सी का 1/5। इसके बराबर में हम एक्स मान लेते हैं जिससे हमको सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी। देखो 0 से 0 कटा तो आ गया ए गुणा 3/10 बराबर बी का 0.25, इसको हम भिन्नों में बदल लेते, दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए 100 का डिवाइड हो जाएगा, बराबर सी 5/5 बराबर एक्स। तो देख लेते दोस्तों हमारी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसको हम बराबर में एक्स ले लिए तो 10x/3, बी बराबर हो जाएगा 25 × 100, तो बी बराबर आ जाएगा 4x और सी बराबर आ जाएगा 5x। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 10x/3 / 4x / 5x। तो 3 का ऊपर वाली संख्याओं में गुणा हो जाएगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 10x, 4 × x नहीं रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 / 12 / 3 = 15। ये आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 3000 रुपये को ए बी व सी में 3:5, 5:7
के अनुपात में बांटा गया हो तो सी का हिस्सा बताओ। इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम 3, 5 और 7 को जोड़ लेते हैं और एक अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम कैसा करेंगे, 3 धन 5 धन 7 बराबर 30,000, 7 और 5 12, 13, 14, 15, 15 बराबर 30,000। तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 30,000 बटे 15, 15 दूनी 30, एक अनुपात बराबर निकल गया दोस्तों 2,000। तो हमको हिस्सा निकालना है सी का, सी का हिस्सा क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है। सी की वैल्यू है 7, तो 7 गुणा 2,000, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14,000 रुपये, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 407 रुपये को ए बी व सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटा गया है तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए यह अनुपात जो दिया है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 दिया हुआ है, तो हमको 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना होगा। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों एलसीएम निकालने का तरीका, 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 5 जैसा के वैसा, 2 3 6, 2 1 2, 5 3 जैसा के वैसा, 3 से भाग दिए, 1 5 जैसा के वैसा 1, फिर 5, जब तक 1 नहीं आता तब तक के हमको डिवाइड करना होता है। 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 60। अब हम इस 60 का सभी पदों में गुणा करेंगे, तो गुणा कर देते हैं 60/4 = 60/5 = 60/6, यहाँ गुणा करें तो 4 × 4 = 2, 4 × 5 = 20, 5 × 12 = 60, 6 × 10 = 60, तो अनुपात क्या प्राप्त होगा दोस्तों 15:12:10, 15:12:10। तो देख लेते हम इस प्रश्न में हमको ए का हिस्सा ज्ञात करना है, 15, 12 और 10 को ऐड कर देंगे बराबर कितना 407, तो 15, 12 हो जाएगा 27 और 10 37, 37 = 407, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 407/37, 37 का यदि हम 11 से गुणा करेंगे तो 407 आ जाएगा, 11 बार कटेगा। तो हमको वैल्यू किसकी निकालना है ए की, ए का मान देखिए यहाँ पे 15 है, 15 × 11, तो ए का हिस्सा, ए का हिस्सा हो जाएगा 15 × 11, 11 × 5 = 55, हासिल का 5, 11 × 11 = 11, 11 × 5 = 16, ये हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न भी हल हो चुका है। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। दोस्तों इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 50 पैसे में 2 बार 50 पैसे शामिल होंगे तब 1 रुपये बनेगा और 25 पैसे 4 बार शामिल होंगे तब 1 रुपये बनेगा। तो
तो अनुपात देख लेते हैं, ये 13 अनुपात जो है वो 1 रुपये का अनुपात है, 11 अनुपात जो है 50 पैसे का है, और 7 अनुपात जो है वो 25 पैसे का है। तो इस प्रकार हम देखते हैं 13 × 1 धन 11 × 2, 2 का गुणा इसलिए करें क्योंकि 50 पैसे को 2 बार शामिल करने पर 1 रुपये बनेगा, धन 7 × 4, ये पूरे का ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 378। 13 × 1 13 11 × 2 22 7 6 28 बराबर 378। सेम वही प्रोसीजर अप्लाई कर दिए दोस्तों, 3 2 5 5 और 8 13 की 3 हासिल का 1 1 और 1 2 3 4 5 6 63, 63 अनुपात बराबर 378, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 378/63। 63 को काटे हम 9 से काट दें, 9 7 63, 9 4 36, बचा 1 9 2 18, 7 6 42, 1 अनुपात बराबर आ गया दोस्तों 6। अतः 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमने 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात 7 है, 7 में सॉरी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 11 है, 11 में हमने 2 का गुणा किया है तो 22 × 6, तो दोस्तों 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1 6 दूनी 12 और 1 13 रुपये, ये हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल DIITI को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।